जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का यह उपाय दुनिया का सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे आसान उपाय है। अगर आप भी विवाह के इच्छुक हैं तो जी हाँ, यह वीडियो, यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, जीवन में तीन चीजें होती हैं जो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। पहली, प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद। दूसरी, सही दिशा, सही ज्ञान, सही ढंग उस कार्य को, उस उपाय को करने का। और तीसरा होता है सिफारिश। जी हाँ, अगर हमारी सिफारिश कोई करता है तो हमारा वो कार्य शीघ्र और अवश्य ही पूर्ण होता है। तो ये तीनों ही चीजें इस उपाय में बताई गई हैं, इस उपाय में सम्मिलित हैं। तो अगर आप भी कुंवारेपन का कष्ट झेल रहे हैं, परेशान हैं अपने विवाह को लेकर, तो बस थोड़े से समय का कष्ट और बाकी है। इस उपाय को करने से तुरंत ही यह कष्ट दूर होगा और शीघ्र ही आपका विवाह होकर ही रहेगा और आपके घर में भी शहनाई अवश्य गूंजेगी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अगर हमारे जीवन में एक अच्छे मार्गदर्शक की कमी होती है तो हम अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते, न किसी कार्य में और न किसी भी चीज़, किसी उपाय में भी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस उपाय को करने की विधि सिस्टमैटिक ढंग से एक एक करके अच्छे से बताऊंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसे अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से जिस तरह मैं बता रही हूँ सीरियल वाइज वैसे ही करिएगा और फिर देखिएगा कि आपका विवाह कितनी जल्दी संपन्न होता है। एक बात और, अगर एक बार करने से ही आपका विवाह संपन्न हो गया है तो भी आपको लगातार 3 दिन करना ही करना है यह उपाय। और यह उपाय सावन के सोमवार से करें तो अति उत्तम होगा। और अगर आप यह वीडियो सावन के बाद देख रहे हैं तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार के दिन से, पहले सोमवार, किसी भी नहीं, पहले सोमवार से इसे शुरू करके लगातार 3 सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं। याद रहे, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आपको यह उपाय करना है। और क्योंकि अभी सावन खत्म नहीं हुआ है, अभी 1 सोमवार और बचा हुआ है, तो अगर आप उसके पहले ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ 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 इस सोमवार को, 8 अगस्त को यह उपाय अवश्य करिएगा। बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है ये, और आजमाया भी है। जिसने किया है उसको इसका फल प्राप्त हुआ ही हुआ है। इस उपाय को कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं रोक सकता। इतना पावरफुल उपाय है ये, आप इसे ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। अभी तक तो बहुत उपाय किए, उससे कुछ हद तक हमारे ग्रह दोष ठीक हुए हैं और अब बारी है ब्रह्मास्त्र की, जो एक बार में सारे कष्ट दूर करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और जानकारी का लाभ उठाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उपाय को करना कैसे है। सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मन में पास के किसी या तेज शिवालय में किसी भी जाएं, तरीके से ये जप कर सुबह सकते हैं। या शाम, दोस्तों, आप मंत्र किसी भी इस वक्त प्रकार है
या उपाय गंगा कर सकते तरंग हैं। रमणीय सुबह जटा करें कलायम तो 9 बजे से गौरी पहले कर नीलांतर लें, विभूषित अन्यथा वाम शाम भागम को प्रदोष नारायण करें। प्रियम नंग मदाय शिवालय हरम पहुंचकर वाराणसी वहां पुरियति प्रांगण में भज ही बैठकर विश्वनाथम मंत्र जाप पूर्ण अर्थात करने आपको के शिवलिंग के पश्चात पास तुरंत शिवालय नहीं में जाना है, अंदर मंदिर जाएं, के शिवलिंग प्रांगण में पर एक बैठकर लोटा जल अर्पित इस करें। मंत्र का पूरी धूप दीप श्रद्धा नैवेद्य भक्ति चढ़ाएं, और विश्वास के साथ बिल्वपत्र चढ़ाएं, 108 बार और जिस जप भी तरह करना से है। आप उनकी पूजा अर्चना करना चाहें आप कर सकते हैं। जो सामग्रियां आप अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। और उसके पश्चात शिवलिंग के सम्मुख विराजमान नंदी महाराज से उनके बाएं कान में अपनी मनोकामना बोलनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी सिफारिश नहीं करवाएंगे नंदी महाराज से, नहीं कहेंगे कि वह भोलेनाथ से हमारे इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं, तब तक इतनी आसानी से प्रभु नहीं सुनते। इसलिए नंदी महाराज के थ्रू बोलने से हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ तो हमेशा ही तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए हमें नंदी महाराज से अपनी सिफारिश लगवानी ही पड़ेगी। तो आपको नंदी महाराज के बाएं कान में अपने विवाह को लेकर जो मनोकामना है वह उनसे कहनी है। और हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप अगर किसी व्यक्ति विशेष से अर्थात प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, एक बार करके अवश्य देखिएगा। आपके प्रेम विवाह को लेकर की गई सिफारिश भी नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। और भोलेनाथ, क्योंकि आपने उनके प्रिय भक्त सबसे प्रिय भक्त नंदी महाराज से अपनी सिफारिश लगवाई है, तो वे इसे शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। नंदी महाराज से यह विनती कीजिए कि वे आपकी तरफ से भोलेनाथ से सिफारिश करें। कहिए नंदी महाराज से कि हे नंदी महाराज, आप मेरी तरफ से भोलेनाथ से यही सिफारिश कीजिए कि अभी तक हजारों तरह के उपाय अपने विवाह को लेकर हम कर चुके हैं और ये एक आखिरी उपाय है जो हम कर रहे हैं। आज ये जो आखिरी ब्रह्मास्त्र बचा था ये हमने आज किया है, आज चलाया है। तो महादेव से हमारी तरफ से प्रार्थना कीजिए कि हमारे विवाह में जो भी विलंब हो रहा है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उसे दूर करें और हमारे शुभ और शीघ्र विवाह का योग बनाएं। और हम इस खास इंसान से ही शादी करना चाहते हैं तो कृपा करके उसके साथ हमारी जोड़ी बनाएं और उसके साथ शुभ विवाह का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार नंदी महाराज के द्वारा अपने सिफारिश भोलेनाथ तक पहुंचाने से आपकी सिफारिश प्रभु शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। आपकी मनोकामना इस उपाय से शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो दोस्तों, एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया है। अगर कुछ समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।